हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड CIL, जिसका नोटिफिकेशन आया हुआ है CIL कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2017 में हुआ था, 2017 में इसका एग्ज़ाम हुआ था और अब है 2019 जिसका एग्ज़ाम दो साल बाद हो रहा है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग पर ये पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग MT जिसे बोलते हैं, और इसकी 1319 पोस्ट पर इसका नोटिफिकेशन है, जिसका ऑलरेडी आपको राहुल सर ने नोटिफिकेशन, उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सब कुछ अपलोड कर दिया है। अब बारी है इसके बैच को स्टार्ट करने की, इसके सिलेबस इंट्रोडक्शन करने की, और वन बाय वन जो अपने फैकल्टी होंगे, रिस्पेक्टिव फैकल्टी होंगे, वो अपना सिलेबस आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे और क्लासेस को बताएंगे किस तरह से क्लासेस को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अगर हम पैटर्न की बात करें, एक स्मॉल डिस्कशन होगा जो कि दो पेपर होंगे आपके, पेपर 1 पेपर 2, जो कि दोनों सेम डे पर होने हैं। इसमें भी 100 क्वेश्चंस हैं, इसमें भी 100 क्वेश्चन है। ये पूरा आपका नॉन टेक सेक्शन है जिसमें आएगा आपके 4 सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ, आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। ये 4 सेक्शंस 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, 25 क्वेश्चंस ईच फॉर 1 सब्जेक्ट। क्लियर है? तो 25 फॉर रीजनिंग मैथ्स एंड 25 फॉर ये जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, तो टोटल विल बी 100 और एक क्वेश्चन विल बी 1 मार्क, तो टोटल मार्क्स विल बी 100। तो पहला पेपर जो हो गया आपका 100 मार्क्स का हो गया। अब हम सेकेंड पेपर की बात करें, इट्स डिपेंड ऑन योर ब्रांच। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको सिविल इंजीनियर के डिसिप्लिन का एग्जाम पूछा जाएगा, पेपर क्वेश्चन होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, जिस भी ब्रांच, माइनिंग के हैं, जिस भी ब्रांच के, उस ब्रांच के 100 क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे, उसके बाद जाके कहीं आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनकर आएगा। तो दोस्तों ये था पैटर्न, हमने इसमें रॉन्ग आंसर भी, पेनल्टी है, 1 नंबर कट रहा है, वो भी डिस्कस किया है, नोटिफिकेशन में राहुल सर ने बात करी होगी आपसे सारी। अब हम बात करते हैं जो मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, आपको पता ही होगा सबको, क्योंकि हमने RRB JEE पढ़ाया था और RRB JEE जिसमें हमने 350+ सिलेक्शंस प्रीलिम्स में दिए थे, 350+ के सिलेक्शंस हमने दिए RRB JEE के प्रीलिम्स में, तो उसी का ये रिजल्ट है हमारे सामने। अब हम स्टार्ट करेंगे CIL को और पूरा स्टार्ट करेंगे, एक अच्छे पैटर्न पर लेके चलेंगे आपको CIL के, और स्टार्ट करेंगे 0 लेवल से और आपको बनाएंगे एक स्मार्ट लेवल तक लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ वीडियो हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर आ रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कुछ वीडियो आ रही है, तो अब आगे से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो बहुत ही कम हो जाएंगी। ठीक है, मतलब ना के बराबर हो जाएंगी, क्योंकि सिस्टम को बनाने में टाइम लगता है। तो पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नोटिफिकेशन दिखा दिया गया और अब क्लासेस को बोर्ड के सामने, अभी राहुल सर की जो मैथ्स पढ़ाएंगे आपको, वो आपको कुछ क्लासेस लैपटॉप की स्क्रीन पे देंगे स्टार्टिंग में, फिर आफ्टर 3 to 4 क्लासेस वो भी आपको ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो भी स्मार्ट बोर्ड होगा उसी के थ्रू हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं रीजनिंग के बारे में, सही चल रहा है वेग सर? ठीक है, ओके। तो हमारे पीछे जो कैमरे और सारे अच्छी जो मैनेज करें वो वेग सर है हमारे, ठीक है, काफ़ी एक्सपर्ट हैं इस सारे फील्ड में, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे हम लोग रीजनिंग के बारे में, आपको बताया था 100 क्वेश्चंस का पहला एग्जाम था, 4 सेक्शन में डिवाइड था, यानी कि 1 सेक्शन विल बी, अब 100 को अगर 4 से डिवाइड भी कर लेंगे तो 25 क्वेश्चंस आ जाएगा, तो यानी कि रीजनिंग में हमसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन एग्जाम के सिलेक्शन के लिए आपको अंदर भी करा सकते हैं, आपको एग्जाम से आउट भी करा सकते हैं, तो रीजनिंग सबसे ईजी होता है पूरे एग्ज़ाम के लिए। और अगर हम इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लें, पर डे आधे घंटे, 1 घंटे भी लेक्चर सुन लें, तो आपके 25 में 25 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें पढ़ना क्या है। देखिए, इसका कोई भी सिलेबस नहीं आया है, ऑफिशियल सिलेबस CIL की तरफ से नहीं आया है। जो भी सिलेबस मैं बताऊंगा आपको, वो 2017 में जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि पहले 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके बिहाव पे ही मैं वो सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस पूछे गए वो भी, और इसके बाद एक वीडियो भी बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं आपको जो पेपर 2017 में आया उसको भी एक बार आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं अभी हम सिलेबस के बारे में, क्या है सिलेबस। सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है,
सबसे ज़्यादा आपसे जो रैंकिंग के सवाल पूछे गए थे, रैंकिंग एक टॉपिक होता है जिसमें पूछा था आप पर्सन विवेक सर इज़ द लेफ्ट फ्रॉम द हिरेश सर, हिरेश इज़ द लेफ्ट फ्रॉम द राइट फ्रॉम द रजत सर एंड रजत इज़ द टॉप ऑफ द राहुल सर, ऐसे इस तरह से रैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो तीन क्वेश्चन आपके पिछली बार रैंकिंग से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तीन क्वेश्चन आपके रैंकिंग से आए थे, ओके। दूसरा अगर टॉपिक की बात करें मिसिंग नंबर, क्या नाम है, मिसिंग नंबर या मिसिंग सीरीज बोल सकते हैं इसको, रॉन्ग अल्फा रॉन्ग सीरीज बोल सकते हैं जिसमें रॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, इसके भी आपसे तीन क्वेश्चन पूछे गए थे, क्लियर है। तीसरे की बात करें, देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बताऊंगा कैसे कवर करना है। पहले एक बार हम सारे कोड्स को लिख लेते हैं बोर्ड पे, फिर डिस्कस करेंगे वन बाई वन क्या कितने टाइम में ख़त्म होगा, इसकी कितने जल्दी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, एक सवाल हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है भाई। चौथा डाइस का एक सवाल आपका आया था, यहाँ पे लिखते हैं पांच डाइस हो गया आपका। मिरर इमेज पर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, पहले तो मैं वो लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। छठे की बात करें, काउंटिंग ऑफ फिगर सी ओ एफ, काउंटिंग ऑफ फिगर का एक क्वेश्चन आया था, काउंटिंग ऑफ फिगर का, ठीक है। अगर हम फिगर बेस बात करें जिसमें फिगर को रोटेट कराते हैं, कटिंग ऑफ द फिगर, फोल्डिंग ऑफ द फिगर, फोल्डिंग ऑफ द पेज और मोल्ड करके बनता है, उसका एक क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर हम बात करें मैथमेटिकल ऑपरेशन का, मैथमेटिकल ऑपरेशन उसका भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा होता प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब माइनस, माइनस का मतलब एडिशन, इस तरह से इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और फिर ऑप्शन दिए होते हैं और हमें राइट ऑप्शन चूज करना होता है, उसका एक क्वेश्चन आया था। सिलोगिज्म का एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन सिलोगिज्म का भी आया था आपका, ठीक है। क्वेश्चन काउंट करते चलिएगा 25 तक पहुंचना है हमको कैसे भी। एक क्वेश्चन आया था ऑड पेयर का, मतलब तीन ऑप्शंस आर अलाइक और चौथा आर अनलाइक, इस तरह से होता है। ग्यारहवां की बात करें, एनालॉगी के दो क्वेश्चन आए थे आपके, एनालॉगी के दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वर्ड पर था और एक अल्फाबेट पर था, ठीक है भाई। 11 हो गए, यहाँ पे हम 12 की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपका वर्ड सीरीज पर आया था, वर्ड सीरीज पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे बात करें 13 नंबर की, तो वर्ड सीरीज के बाद एक क्वेश्चन और आया था आपको जो अल्फाबेट फिल करते आप, अल्फाबेट सीक्वेंस वाला जिसमें लिखा होता है ए ए बी, इस तरह से ये क्वेश्चन आया था एक। कितने क्वेश्चन हो गए एक बार काउंटिंग कर लेते हैं, 3, 3, 6 और 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 2, 17, 1, 18, यानी कि 7 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं। अब देखते हैं 7 क्वेश्चंस में और क्या क्या है, 13 हो गया, 14 की बात कर लेते हैं, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था जिसको हिंदी बोलते हैं रक्त संबंध, बोलते हैं रोहन इज़ द ब्रदर ऑफ सोहन, सोहन इज़ द मदर फादर ऑफ आरती, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर है। ये हो गया हमारे 14। अब बात करते हैं 15 पे, एक था इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उसका भी जैसे लिखा होता है 11 × 11 = 22, इस तरह से लिखा होता है और हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन के डेटा तक हम पहुंच चुके हैं, और देख लेते हैं क्वेश्चंस कहां पर पूछे गए, ओके। कोडिंग एंड डिकोडिंग का भी एक क्वेश्चन आया था, कोडिंग एंड डिकोडिंग का, कोडिंग एंड डिकोडिंग दिखाई दे रहा सर, ओके। एक कोडिंग एंड डिकोडिंग का भी क्वेश्चन आया था, ये हो गया, ठीक है, मिरर इमेज हो गया, ओके, काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, रैंकिंग हो गया, रैंकिंग के तीन हो गए, मिसिंग नंबर के भी तीन हो गए, ओके, अल्फ़ाबेट सीरीज था एक, एक अल्फ़ाबेट सीरीज भी था, ठीक है, मिसिंग नंबर के बाद एक अल्फ़ाबेट सीरीज को भी ऐड कर लीजिए जिसमें अल्फ़ाबेट सीरीज था, क्लियर है, ओके। लेटर कोडिंग पर एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन लेटर कोडिंग पर भी था, लेटर कोडिंग पे एक क्वेश्चन, 1, 2, 3, 5, 4, 9, 3, 12, 13, 15, 18, 3, 21, 22 और 23, दो क्वेश्चंस और बच रहे हैं, वो दो क्वेश्चन एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, एक रिलेशनशिप गिवन होती है उसका एक वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन था, वेन डायग्राम का, ठीक है भाई, एक क्वेश्चन वेन डायग्राम का था और एक क्वेश्चन और ये सीरीज का ही था, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए, ये हमारा एग्जामिनेशन में पूछा गया था,
अलग अलग देखिए रंग बिरंगा डिज़ाइन था, पूरा रीजनिंग कवर किया गया था 25 क्वेश्चन में, एक एक दो दो क्वेश्चन करके पूरी रीजनिंग हमसे पूछी गई थी। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं टॉपिक्स में कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कि कितने टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए। ठीक है, अगर हम बात करें सीरीज की तो सीरीज से 4 क्वेश्चन आए, इसको हटा देते टॉपिक का नाम कर देते केवल और केवल सीरीज। क्या था? सीरीज। सीरीज में आपकी दोनों आती है, नंबर और अल्फ़ाबेट। ठीक है भाई, सीरीज में अल्फ़ाबेट। देखो 4 क्वेश्चन तो ये थे, प्लस ये जो 2 क्वेश्चन है ना ये भी यहाँ से कवर हो जाएंगे सीरीज से ही। 4+2 कितने हो गए? 6। ठीक है भाई, 6 हो गए। और एक क्वेश्चन ये कोडिंग एंड डिकोडिंग के बाद इक्वेशन बेस्ड अल्फ़ाबेट सीक्वेंस, ये भी सीरीज का पार्ट है। एक क्वेश्चन ये भी हो गया 7। लेटर कोडिंग भी इसी का पार्ट है, एक क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, वर्ड सीरीज भी इसी का पार्ट है, एक क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, तो सीरीज पढ़ेंगे तो हम 4 to 6 और 9 क्वेश्चंस कवर करेंगे केवल और केवल सीरीज से। और हम इसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जब भी सिलेबस कल से हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी उसका प्रॉपर शेड्यूल आपको कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले सीरीज स्टार्ट करेंगे जो 9 क्वेश्चंस हो गए, रैंकिंग के 3 क्वेश्चन हो गए अपने आप में। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एक टॉपिक हो गया, डाइस के बारे में बात करेंगे और हम यहाँ पर क्यूब के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है अब, क्योंकि ये जो CIL का एग्ज़ाम है इसमें गेट के स्टूडेंट्स भी बैठेंगे, जो कुछ लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो छोड़ कर बैठेंगे, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में होंगे उनका इसमें कमांड होगा तो टेक्निकल में वीक होंगे, कुछ टेक्निकल में स्ट्रांग होंगे तो इस सेक्शन में वीक होंगे। तो यानी कि हमारा जो ये वाला सेक्शन होता है 100 क्वेश्चन का, ये हमारे कट ऑफ को बहुत इंपॉर्टेंट करेगा हमारे सिलेक्शन के लिए, ये मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, अगर हम ऑड पेयर की बात करें, सिलोगिज्म भी कवर करेंगे, ये भी हो गया। और ये टॉपिक की बात करते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इससे एक क्वेश्चन आया था लेकिन इस बार उम्मीद है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है भाई, 3 क्वेश्चन, तो ये आपका फाइनल सिलेबस है जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पे मिरर इमेज का पूछा गया था, लेकिन वाटर इमेज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, वाटर इमेज नहीं पूछा गया था लेकिन उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, सिलोगिज्म हो गया, और हम आपको एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे एजम्पशन बेस्ड, क्योंकि नहीं पूछा गया आजकल एग्जाम में एजम्पशन बेस्ड। और एक इक्वालिटी का टॉपिक भी होता है, कितना इक्वालिटी का। ठीक है, इक्वालिटी को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है लेकिन इक्वालिटी के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बनते हैं, इक्वालिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और कोई टॉपिक अगर हमसे छूट रहा हो, आपको लगता है कि सर ये वाला टॉपिक भी आप पढ़ाइए, भले ही इसमें ना आए या किसी और एग्ज़ाम में भी आए, तो उसको कमेंट करके बताएंगे कि सर ये वाले टॉपिक को भी आप मेंशन करें, उसको भी आप पढ़ाएं। ठीक है, तो मैं वो वाले टॉपिक को भी उठा लूँगा। ओके, तो ये पूरा आपका सिलेबस है, एक बार फुल बोल देता हूँ आगे करके, इक्वालिटी, रैंकिंग, सीरीज में नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज नोट कर लीजिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डाइस एंड क्यूब, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन में कवर करेंगे, मिरर इमेज, वाटर इमेज, काउंटिंग ऑफ फिगर, फिगर बेस्ड क्वेश्चन जो फिगर में रोटेशन होता है, कटिंग ऑफ द फिगर, फोल्डिंग ऑफ द फिगर ये डिस्कस करेंगे, डॉट ऑफ द फिगर, सिलोगिज्म, एजम्पशंस एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को कवर करेंगे, और ब्लड रिलेशन को कवर करेंगे ये सारे क्वेश्चन, और वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे, और जो लॉजिकल ऑर्डर होता है जिसमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड्स को डिज़ाइन करना होता है और अरेंज करना होता है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और आया था एज से रिलेटेड, किससे? एज, आयु जिसको बोलते हैं एज, मोहन इज 5 ईयर्स ओल्डर देन इज फादर एंड ब्रदर, इस तरह से, तो उस एज को भी डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है भाई, ओके, तो ये पूरा हमारा सिलेबस है। इसके बाद जो हम दूसरी वीडियो बनाएंगे उसमें मैंने आपको 2017 का पूरा पेपर दिखा रहा हूँ, जो ये क्वेश्चंस लिखे हैं एक्चुअल में क्वेश्चंस क्या थे वो वहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। तो अब से हमने बैच स्टार्ट कर दिया, जितने भी स्टूडेंट आपके CIL की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनके सामने ये बैच को बता सकते हैं और चैनल को शेयर कर सकते हैं फॉर द सब्सक्रिप्शन, बिकॉज आप विदाउट सब्सक्रिप्शन ये आपका मोटिवेशन है, जो आप हमें मोटिवेट करेंगे तभी मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से आपसे कुछ ले नहीं रहे, क्योंकि सब कुछ क्लासेस फ्री चलेंगी, एक भी रुपए की कभी बात नहीं करी जाएगी टिल द स्टार्टिंग ऑफ द डेट, बैच की स्टार्टिंग से आज से बैच स्टार्ट हो चुका है। ये इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस था, नेक्स्ट क्लास नंबर 2 होगा हमारा, जो हम स्टार्ट कर रहे होंगे सीरीज,
या तो कुछ आप और पढ़ना चाहते हैं, कोई और टॉपिक का डिस्कशन चाहते हैं कि सर इस टॉपिक से क्लास को स्टार्ट किया जाए, लाइक सिलॉगिज्म हो गया, मिरर इमेज हो गया, इक्वालिटी हो गया, रैंकिंग हो गया, ये सारे जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर ऑफ वोटिंग जिसकी ज़्यादा होगी उसी टॉपिक को हम फर्स्टली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्या कहते हैं, फिर मैथ्स का क्लास भी स्टार्टिंग में 2 से 3 क्लासेस मैथ्स का आपका राहुल सर के थ्रू आएगा, जो कि स्क्रीन पर होगा लैपटॉप की, उसके बाद वो व्हाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड पर क्लास लेकर आएंगे। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस के एक सर हैं, वो भी आपकी क्लास लेंगे और इंग्लिश की क्लास आपको वीकली मिलती रहेगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो फोकस करेंगे हम लोग मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इन 3 सेक्शन पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और इंग्लिश पे आपको वीकली क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं आगे। फिर से वही प्रॉमिस कि वीडियो हमेशा फ्री रहेंगी, फर्स्ट डे ऑफ स्टार्टिंग कोर्स और एंड ऑफ द जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय बाय, ख्याल रखें अपना, टेक केयर।